में ये दिखेगा कि केमिस्ट्री अच्छी है, पर डायरेक्ट शादी नहीं हो सकती है ना। अभी मैं 21 इयर्स की हूँ, ये भी काफ़ी यंग है, आई थिंक डायरेक्ट शादी नहीं हो पाएगा। बट अगर ऑडियंस को ये केमिस्ट्री अच्छी लग रही तो हम खुश हैं, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। या तो मैं रुकूंगा कि वरुण छोड़े फिर मैं शादी करूँ, आप जानते ही है कैसे मैं जो लड़कियाँ छूट जाती हैं उनके यहाँ शादी करता हूँ। क्योंकि भाई हम लोग इतने सालों से, ये मेरा बचपन से कंप्लेन है औरतों के प्रति या सोसाइटी के प्रति, हम लोग जो लड़के हैं हम लोग तब से इतना मेहनत करें कि कभी ना कभी लड़की पटेगी, कभी ना कभी हंसेगी, कभी ना कभी कुछ अच्छा बोलेगी, पर इतना भाव, मतलब स्कूल के फर्स्ट स्टैंडर्ड टीचर ही इज टीजिंग मी, टीचर ही इज पुशिंग, अरे ब्रो आई लाइक यू, मैं तुझे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें टीज कर रहा हूँ। ये बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लड़कियाँ हमें सिखा रही। तो मैंने बोला जब मैं एक्टर बनूंगा तो मुझे एक चांस मिलता है, मैं ये रोल रिवर्स करना चाहता हूँ। पता नहीं, एक विलन तो काफ़ी चल गई, तो आप अभी देसी विलन बोला है इनको, तो ये भी काफ़ी चल जाएंगे लग रहे हैं। और इनका नाम भी सिद्धार्थ है, सो यू नेवर नो। एक हीरो, एक विलन, एक हीरो। अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कम्पीट कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी जिंदगी में भी और फिल्म में भी लोकप्रियता बहुत है, एवरीवन लाइक्स हिम, और उनका कैरेक्टर भी वही है कि एवरीवन लव हुआ है। बट इवेंचुअली आई थिंक पिक्चर कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं है, हम दोनों के बारे में है। ही इज प्लेइंग अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर, हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पिक्चर में। और मैं एक डायलॉग है, मैं इनको कहता हूँ कि भाई हम तो पंजाबी हैं, हम तो पूरे दिल वाले बंदे हैं, और आप कहते हो मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचता हूँ, तो इनके पास दिल और दिमाग है, मैं खाली दिल से सोचता हूँ। आई थिंक जो जिन्होंने बहुत आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को ना हमारी कंट्री को प्राउड किया, दैट इज़ प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने इंटरनेशनल एल्बम कट किया है अपने आप अपने लिए, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टेप। और ऑब्वियसली मैं आई हैव सेड बिफोर, वो एक इंस्पिरेशन है फॉर मी टू फील लाइक मैं कुछ कर सकती हूँ इन दैट स्पेस ऑल्सो। वेरी जेन्यून क्वेश्चन, मुझे ऐसा नहीं लगता ना हो कैसा ना हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ब्यूटिफुल फीमेल सिंगर्स है, and also I feel like नए टैलेंट है, न्यू सिंगर्स कीप कमिंग, मतलब न्यू सिंगिंग टैलेंट, एक शो होता है ओनली फॉर सिंगिंग, यू नो कौन सा शो है ये? इंडियन आइडल, पर ऐसे दो तीन शो है ना। अरे मैं कह रही हूँ एक चैनल को क्यों प्रमोट कर रहे हो, सबको प्रमोट कर रहे हो। अरे यार हाँ, बट बेसिकली आई डोंट फील ये हो पाएगा, बट इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि एक्टर्स अभी सिंगिंग कर रहे हैं, एंड एक्चुअली बहुत टाइम से होता आ रहा है सिंगिंग। पर आप इनकी दिल की बात जानना चाहते हैं तो हाँ, ये सिंगर्स को रिप्लेस करना चाहती है, काफ़ी भुक्कड़ है और सबकी पे चेक से इसको कट चाहिए। इनका ये सवाल है कि डू आई फील प्रिविलेज किसिंग ऑन स्क्रीन, मेरा ये मानना है कि ये डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है वो। हाँ, डायरेक्टर जब स्क्रिप्ट में लिखते हैं किसिंग करना, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी डील है। आई एम श्योर जब जो भी देख रहे हैं यहाँ पे सबने किस किया है कभी ना कभी लाइफ में, अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ कीजिए।